नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। आदिवासी समुदाय के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती बलरामपुर जिले में धूमधाम से मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और उसे मनाने के लिए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय और उनकी टीम खुद बलरामपुर जिले पहुंची हुई थी। शंकरगढ़ के स्टेडियम खेल मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ सरगुजा सांसद रेणुका सिंह, भाजपा के पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा, झारखंड प्रदेश से अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की सदस्य प्रिया मुंडा, जशपुर से रणविजय सिंह जुदेव एवं भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष उद्देश्वरी पैकरा सहित पूरे प्रदेश से आदिवासी जनजाति समुदाय के पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिरसा मुंडा की जयंती पर यहां आदिवासी समुदाय भारी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हुए और सभी ने अपनी संस्कृति के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर इस जयंती को खुशी के रूप में मनाया। बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में नामांकित करने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने केंद्रीय राज्य मंत्री और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सहित सभी लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। आज 15 नवंबर है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है और देश के 12 करोड़ से भी ज़्यादा जनजातियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को हमारे भारत सरकार ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। और आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है, जिसमें लाखों अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग पूरे मध्य प्रदेश से जुटे हुए हैं और वहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है और इसके लिए पूरे जनजातीय समाज की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो मतलब भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मान्यता दी है। अब हमारे जनजाति हर वर्ष 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने वाले हैं और आज यहां पर शंकरगढ़ की भूमि में भी बिरसा मुंडा की जयंती यहां पर मना रहे हैं, जिसका आयोजन अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने किया है और इसमें अनेक हमारे अतिथि यहाँ पर आए थे। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह आई थी, हमारे बिहार से भी आए थे यहाँ पर। हम लोगों के जो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांतीय अध्यक्ष हैं जसपुर के, राजा रणविजय प्रताप सिंह जुदेव जी, वो पधारे हुए हैं। पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा जी पधारे हुए हैं और पूरे सरगुजा क्षेत्र से हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते सभी आज के यहाँ उपस्थित लोगों को बिरसा मुंडा जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और